जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में लोग शालीमार प्रोडक्शन लिमिटेड को डिस्कस करने जा रहे हैं। शालीमार प्रोडक्शन आपको पता है एक छोटी सी कंपनी है और इंटरटेनमेंट के सेक्टर में कंपनी काम करती है। तो इसके बारे में समझते हैं क्योंकि इस कंपनी के क्वार्टर फोर के नंबर काफ़ी अच्छे आए हैं और क्वार्टर फोर के नंबर की बदौलत अब लगता है कि इस कंपनी के शेयर प्राइस में कुछ जान आएगी। तो शुरुआत शुरू से करते हैं और हर एक पहलू को इसमें टच करेंगे। अभी देखिए, अभी इस कंपनी का शेयर प्राइस देखेंगे तो 49 पैसे के आसपास चला और पिछले एक दिन में यहाँ पर आप देखेंगे तो कोई तेज़ी आपको देखने को नहीं मिलेगी। और वही हाल पिछले 5 दिन यानी कि पिछले एक सप्ताह में भी देखेंगे तो कोई तेज़ी इसमें देखने को नहीं मिलेगी। पिछले एक सप्ताह और 5 सप्ताह का यहाँ पर जब आप रिजल्ट देखेंगे तो सेम ही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन पिछले एक मंथ की बात करें तो एक मंथ में देखेंगे इस स्टॉक में थोड़ा बहुत मोमेंट यहाँ पर हुआ है। जुलाई में 26 जून से लेकर 6 जुलाई तक की बात करें थोड़ा बहुत मोमेंट हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर कोई मोमेंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, आगे जब हम लोग इस कंपनी के चार्ट को समझेंगे देखेंगे तो वहाँ पता चलेगा कि ऐसा भी इसमें क्यों हो रहा है। पिछले 6 मंथ की बात करें तो 6 मंथ में देखेंगे स्टॉक तकरीबन 4% के आसपास आपको टूटते हुए नजर आएगा। लंबी अवधि में सिर्फ 4% के आसपास स्टॉक टूटा है। मेन बात क्या है ना कि इस स्टॉक में इन दिनों मोमेंट नहीं हो रही, इसी मोमेंट को आगे समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, यहाँ पर शालीमार प्रोडक्शन लिमिटेड को सबसे पहले काम, फिर फंडामेंटल और उसके बाद फिर चार्ट और क्वार्टरली रिजल्ट के माध्यम से हर एक पहलू को टच करते हैं। सबसे पहले काम की बात करते हैं। देखिए, शालीमार प्रोडक्शन जो कंपनी है मीडिया और मीडिया प्रोडक्ट्स के क्षेत्र में इसका बिजनेस है, मतलब मीडिया और इंटरटेनमेंट के क्षेत्र में कंपनी काम करती है। ओटीटी का कंपनी का खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म आने वाला था, अभी तक आया नहीं। जिस दिन आ जाएगा उस दिन इस कंपनी का शेयर प्राइस आपको रॉकेट बनते हुए दिखेगा। अभी कंपनी के काम क्या है, सिर्फ उस और सिर्फ मीडिया और इंटरटेनमेंट के सेक्टर में काम करते हैं, यानी काम धाम कंपनी के काफ़ी बढ़िया है। लेकिन उसके लिहाज से कंपनी का जब फंडामेंटल देखते हैं तो फंडामेंटल उतना ज़्यादा बढ़िया नहीं है, लेकिन फिर भी छोटी कंपनी जिस हिसाब से है उस हिसाब से इसका फंडामेंटल ओके ओके। यहाँ पर देखेंगे तकरीबन 50 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। शेयर प्राइस बुक वैल्यू से थोड़ा कम है, ये एक चिंता की बात है। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर जब देखेंगे तो कंपनी का जो आरओई है और आरओसी हो वो माइनस में नहीं है। जहाँ जो दूसरी छोटी कंपनियाँ होती हैं उनका आरओई और आरओसी माइनस में होता है, लेकिन इसका माइनस में नहीं, ये एक प्लस पॉइंट है। इसके अलावा अब इस कंपनी का हम लोग चार्ट की बात करें तो अभी देखेंगे, मैंने एक साल का चार्ट ओपन किया हुआ है। एक साल के चार्ट पर जो आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि तकरीबन फरवरी से, इस साल के फरवरी से देखेंगे तो इस कंपनी के शेयर प्राइस में कोई मूवमेंट होते हुए, यहाँ पर फरवरी है, यहाँ से देखें कोई मूवमेंट होते हुए आपको नहीं दिखेगा। एकदम सपाट पड़ा हुआ है इस कंपनी का शेयर प्राइस, तकरीबन 50 पैसे से लेकर 45 पैसे इसी के बीच में इस कंपनी का शेयर प्राइस फरवरी से ही घूम रहा है। अब देखिए, जब लंबी अवधि के चार्ट पर मैं आपको दिखाऊंगा तो बातें ज़्यादा क्लियर होंगी। 5 साल का चार्ट हमने यहाँ पर ओपन किया, 5 साल के चार्ट पर जो आप देखेंगे तो पहले भी क्या होता था दिसंबर 2021 से पहले कि इसी रेंज के आसपास इस कंपनी का शेयर प्राइस पड़ा हुआ था, और फिर से 2021 से लेकर 23 के बाद देखेंगे फरवरी के बाद तो फिर से इस कंपनी का शेयर प्राइस इसी रेंज में आके खड़ा हो गया है। अब क्या हो सकता है, देखिए आपको पता है कि जब जब इस रेंज के पास आता है शेयर प्राइस में मूवमेंट होता है और ऊपर जाता है प्राइस, तो और अभी फिर से अभी उसी लाइन के आसपास है। तो अभी मैं कहूँगा अभी इसमें बने रहे क्योंकि फिर से एक मोमेंट इसमें ऊपर की तरफ आएगा, उसके बाद फिर प्राइस नीचे आएगा। तो आपको नीचे आने का इंतजार नहीं करना है, जैसे प्राइस ऊपर जाता है आपको ऊपर प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। एक बार और मोमेंट आएगा ही आएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी इस कंपनी के क्वार्टर फोर के नंबर काफ़ी अच्छे आए हैं। अब चलिए यहाँ पर हम थोड़ा क्वार्टरली रिजल्ट भी देख ही लेते हैं कैसा है क्वार्टर का रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट आपको पता है हर एक 3-3 माह पर आते हैं। क्वार्टर फोर का रिजल्ट, मार्च क्वार्टर का रिजल्ट को क्वार्टर फोर का रिजल्ट कहते हैं। अभी इसमें सबसे पहले सेल्स की बात करते हैं। देखिए, सेल्स बढ़कर इस बार 80 लाख के आसपास हो गए, जो पिछले क्वार्टर में सिर्फ 31 लाख और उसके पिछले क्वार्टर में 37 लाख के आसपास था। यानी कि पिछले कुछ क्वार्टर के मुकाबले देखेंगे तो कंपनी का सेल्स सबसे ज़्यादा मार्च क्वार्टर में आपको बढ़ते हुए दिखा है। और यही सी बात है, जब खर्चे बढ़ेंगे, कमाई बढ़ेगी तो कंपनी के खर्चे भी बढ़ते हुए आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। लेकिन मेन बात है कि सेल्स बढ़ा है तो क्या कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है, तो प्रॉफिट के लिए चलिए प्रॉफिट भी देख लेते हैं। यहाँ पर है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जब आप देखेंगे इस कंपनी का तो आप पाएंगे कि चूँकि कंपनी का सेल्स बढ़ा है तो इस बार नेट प्रॉफिट भी 19 लाख का हुआ है, जो कि पिछले कुछ क्वार्टर में कुछ खास नहीं था। यानी कि ओवरऑल कंपनी के फंडामेंटल में आपको ग्रोथ होते हुए दिख रहा है। इसी ग्रोथ की बदौलत मैं कह रहा हूँ कि अभी इस कंपनी का शेयर प्राइस जब से मान लीजिए 50 पैसा से लेकर जब तक ये 45 पैसा के बीच में है, आपको इसमें बने रहना है, इसे बाहर नहीं निकालना है। और यदि 45 पैसा के नीचे आकर ट्रेड करने लगता है तब आप इस स्टॉक से बाहर निकल सकते हैं। ओवरऑल जो शालीमार प्रोडक्शन लिमिटेड कंपनी है ये काफ़ी बढ़िया कंपनी है, क्योंकि जिस सेक्टर में काम करती है उसमें ये ग्रो कर सकती है, एक छोटी सी कंपनी है। और इस कंपनी में जो प्रमोटर्स हैं, प्रमोटर्स के पास भी कुछ शेयर्स पड़े, ऐसा नहीं कि इसमें सारा का शेयर पब्लिक के पास पड़ा हुआ है। फंडामेंटल भी आपको मजबूत होते हुए दिख रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शालीमार प्रोडक्शन में आपको बना रहना जरूरी है। ओवरऑल शालीमार प्रोडक्शन के बारे में जो जानकारी थी मैंने आपको बता दी है। मन में कोई भी सवाल है, कन्फ्यूजन है तो कंपनी में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से मुझसे जुड़कर बातें करने के लिए आप मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।